देखिए भाई, कक्षा छः गणित, गुड मॉर्निंग। करण निम्नलिखित अभ्यास है 2.1, तो इसमें हम तीसरा कर रहे हैं सत्य था अथवा असत्य लिखिए। करण दो प्राकृतिक संख्याओं, किताब में अपनी देखिए, देखने के बाद इसको भरिए। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है, सत्य है, ये सही है। और तीन पूर्ण संख्याओं का योग योग के क्रम पर निर्भर करता है, नहीं। तीन पूर्ण संख्याएं योग के क्रम पर नहीं, उनको किसी भी क्रम में जोड़ा जाए उनका योग वही होगा, तो यह सत्य है। और 19 धन 25 धन 15 इनको किसी भी क्रम में, नियम के बाद का है, इनको किसी भी क्रम में जोड़ा जाए, किसी भी संख्याओं को आगे पीछे कर दिया जाए, उनका आंसर एक ही होगा, अर्थात ये भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है। और चौथा 0 धन 4 एक पूर्ण संख्या नहीं है, यह सत्य है। शून्य पूर्ण संख्या तथा प्राकृतिक संख्या दोनों के लिए तत्समक तत्व है, ये भी असत्य है। अब इसके बाद देखते हैं, एक संख्या इतनी 45,46,041 से 50,738 अधिक है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या इतने से कह रहा इतनी अधिक है, यानी जो एक संख्या दी गई उससे इतनी अधिक है, तो वो संख्या माना संख्या एक है। तो पहली संख्या बराबर लिख दो, पहली संख्या क्या नंबर है, ये 4। संख्या बराबर लिख दो, संख्या बराबर। तो कह रहा है कि पहली इतने से अधिक है, तो 45,46,041 धन 50,738 इनको भाई आप जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे इधर रख कर लेना, 45,46,041 8 3 7 0 5 इन दोनों को जोड़ देंगे, वही संख्या आपको निकल आएगी। तो जोड़िए भाई, 8 6 9 4 3 7 7 छः में 0 जोड़ करेंगे 6, 4 में 5 जोड़ोगे 9, 5 और 4, यही आपकी संख्या मिलेगी। वो संख्या कौन सी है, 45,96,779 यही वो संख्या है जो इतने से इतनी अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कृष्णा ने एक कार्य 6,56,937 की खरीदी तथा एक कंप्यूटर 30,456 का खरीदा, तो बताइए कृष्णा ने कितने रुपए खर्च किए। तो इसमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल बताना है कि कितने रुपए खर्च किए। तो भाई आपको रुपए बताना है कितने खर्च किए, तो लिख दोगे कृष्णा कार की कीमत बराबर, कार का मूल्य बराबर कितनी बता रहा है, 6,56,937 और कंप्यूटर का मूल्य बराबर, कंप्यूटर का मूल्य बराबर रुपया कितना बता रहा, 30,456। तो कृष्णा ने कुल कितने रुपए खर्च किए, लिखोगे कुल रुपए खर्च किए, यहाँ रुपए पूरा लिखना, रुपए खर्च किए बराबर 6,56,937 धन। भाई दो कुल कितने की है, कार खरीदी कंप्यूटर खरीदा उसको जोड़ दो, प्लस 30,456 ऐड कर लोगे वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, धन्यवाद।